दीदी के लिए साड़ी भेजी थी तो उसके लिए हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस जो है दीदी भेजेगी, है ना। लम्बो का और मेरा चैलेंज लग गया है, ऐसे बिना पकड़ के मैं घर तक पहुंचना है, 100 रुपया मिलेगा। गुदगुदी मत करो, ये तो नाइन साफी है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कल रात को जो है हम लोग इतना मजे किया ना, पूरा इंजॉय किया, सारे दोस्त लोग भी आए थे और लम्बो का बर्थडे पार्टी भी अच्छे तरीके से मना लिया है, तो वो लम्बो का ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज डाला है वो सुबह में उसका ब्लॉग। तो अभी हम दीदी और मैं जाएंगे मार्केट पे, मेरा कुछ वो काम है मार्केट पे, एक भैया को जो है पैसा देना पड़ेगा। और मैंने ना आज सुबह उठते ही इतना बिजी, अभी लगभग 10:30 बज चुका है, मैं अपना ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू कर रही हूँ, पूरा दिन भर बिजी रहूँगी आज भी। देखो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने के लिए दे दिया है और वहाँ पे भी सूखने के लिए दे दिया है। आज जो है ज़्यादा धूप भी नहीं है, फिर भी बहुत गर्मी है, आजकल जो है ज़्यादा बारिश दे रही है। तो अभी बस दीदी और मैं रेडी हो लिया है, अभी जाएंगे। बाप रे, पूरा मेरा हाथों में ना ये आ गया, देखो कपड़ा वॉश करते करते पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मेरा ये उंगली पे हम लोग कहते हैं फोजा, बहुत ही पेन होती है, कपड़े को रगड़ रगड़ के वॉश करनी पड़ती है ना। और कोई लोग तो बोलते हैं कि जेरी दीदी आप वॉशिंग मशीन ले लो, ये वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा वॉश करने के बाद जो अजीब होता है ना उसे प्रेस मारना पड़ती है, तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे भैया लोग भी आए हैं काम करने के लिए और ये पिंपल छिप रहा है, जाएंगे चलो। तो अभी स्कूटी को भी निकाल लिया है दोस्तों, अभी जाने के लिए रेडी। और मम्मी बोल रही है कि मम्मी क्या लाना है कुछ खाने, अंगूर। बाप रे, अंगूर खाने का मन हो रही है। तो अभी देख लेती हूँ मार्केट पे मिलता है कि नहीं, लास्ट होने से ना कम मिलता है, तो एप्पल वगैरह तो मिलते ही रहता है। तो अभी दीदी जो है पैदल पैदल जा रहे हैं, रास्ता बहुत खराब है, बारिश दिया था उस कारण बहुत गड्ढे में पानी जमा हो गया। अभी मैं जाऊंगी स्कूटी को लेकर, बहुत गर्मी लग रही है। पहुंच चुके हैं मार्केट पे दोस्तों, अभी जाते हैं सीधा इस साइड में जाएंगे। और देखो मौसम, देखो बारिश देगी, काले काले बादल हो चुके हैं। यहाँ पे 100 वाला ये बर्तन, जिसको भी लेना है आ जाओ लेने। सब्जी तो नहीं मिलेगा, अभी टाइम बहुत हो गया ना। भैया का यहाँ पे पहुँच चुके हूँ और मैंने पैसा भी दे दिया है, ज़्यादा नहीं 150 ही था, तो अभी बस कुछ है तो नहीं काम। अभी यहाँ पे देखो कलेक्शन, फ्रॉक वगैरह ये छोटे मोटे, ये बहुत गर्मी है, ये वाला मज़ा है पहनने में, ये जारा का पैंट। फिर से यहाँ से मैं देख रही हूँ बेडशीट, ये देखो ये थोड़ा सस्ता वाला है, बहुत ही मज़ा है, पहले भी था एक तो मेरा। और यहाँ पे दीदी ने क्या ले लिया, रेपर, रेपर लिया। ये देखो कितना है इसका प्राइस, 200। बहुत सारे हैं वहाँ पे देख सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर कॉटन का। अभी यहाँ से घर के लिए मेरे लिए लेके जाऊँगे, हम दोनों के लिए लेमो, और मुझे हम लोग का बिस्तर पे चाहिए होता है। ये वाला बहुत सुंदर है कलर, पर ये छोटा है और इसमें ये फिलोस वगैरह भी है, ये देखो इसका सेट, ये पसंद नहीं है, ये वाला लेके जाऊँगी। बस ले लिया है मैंने एक, ये एक पीस यहाँ पे बैक सीट 250, बहुत महंगा बोल रहा है, 200 में लिया था पहले भी मैंने। हाँ देना चाहिए। अभी मम्मी के लिए जो है यहाँ से अंगूर ले रही हूँ, अंगूर जो है बहुत महंगा हो गया। और यहाँ पे दालम, ये पोमेग्रेनेट बहुत ही टेस्टी होती है, मीठा मीठा इसे ये पसंद है। और एप्पल उतना खास नहीं लग रही है, 24 दिन लग गया एप्पल का। हाँ बस अंगूर ही लेके जाऊंगी मम्मी के लिए, और वहाँ से वो कुछ वो ले लूंगी। और यहाँ क्या ले रहे, मैंगो। हाँ, मैंगो ने बोला था मैंगो लाओ, इतना खास नहीं है, पका नहीं है ना अच्छे से अभी। हाँ, अभी तक पका है। 1 किलो इससे ले लेंगे। इसका ये वाला अच्छा दिख रहा है हमको, तो ये वाला मीठा है कि नहीं है भैया, मीठा है तो? हो गया है हम लोग का मार्केटिंग, मैंने फ्रूट वगैरह भी ले लिया है, एप्पल लिया है, मैंगो लिया है और अंगूर मम्मी के लिए। अभी जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा क्या ऑफिस था, बैठ रहे हैं
हाँ वेटनरी ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे जो जाके बुज्जी के लिए दवाई लेना पड़ेगा, अभी तक उसका गाँव ठीक नहीं हुआ है, तो अभी जाते हैं, थक गई। आए थे दोस्तों यहाँ ये वेटनरी ऑफिस में, यहाँ आके पर जो है डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर चला भी गया है, थोड़ा देर बाद आ जाएगा पता नहीं, अभी हम लोग के पास टाइम भी नहीं है, है ना? हाँ टाइम नहीं है, कब आएगा, कितना देर वेट करेंगे हम लोग। और मुझे जो है मुझे ब्लॉग को जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि घर पे भी काम होती है, तो अभी जाएंगे घर पे। ओ दीदी का ये एक निकला है, इसको सिलाई करना पड़ेगा साइड साइड में, और मुझे स्कूटी का यहाँ पे तेल डालना पड़ेगा। दीदी का जो मेकला है तो सिलाई भी हो चुकी है, अभी देखो बहुत सुंदर दिख रही है, ये देखो साइड साइड में। हम लोग मार्केट से आ रहे थे दोस्तों, अभी जो है यहाँ हम लोग का बस्ती का दुकान पे पहुँच चुके हैं, और दीदी यहाँ से जो है ट्रेडिशनल ड्रेस देख रही है। एक दीदी ने दीदी के लिए साड़ी भेजी थी, तो उसके लिए हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस जो है दीदी भेजेगी, है ना? हाँ। देखो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे देख रही, ये वाला ठीक लग रही है। हाँ, ये कलर ये मेन ही अच्छा होगा, ये हम लोग का है चुन्नी, ओ ये हम लोग का मेन ट्रेडिशनल है। हाँ, ओ इसमें से हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस देख रहे हैं, ये देखो पम पम। यार मैं आंखों का बीमार लग गया यार, इसलिए पूरा मास्क लगा के घूम रहा, कल तो आप लोग का वहाँ में जाके हुआ है, ओ इसका पहले नहीं था। ए, हम लोग का नहीं है अभी तक, किसी का भी बायलेस नहीं है। वहाँ पे भी नीतिका है, अमित भाई सेफ रहो, चश्मा लगाओ, इसके साथ घूम रहा है ना। नहीं जाओ जाओ, इसका साथ जाओ, वायरस इसके साथ जाओ। और मैं यहाँ से देख रही हूँ ये ओकली, देखो ये वाला बहुत ही अच्छा है, इसमें लहसुन अदरक ये खोद सकते हैं आराम से। हम लोग का जो है लकड़ी वाला है ना, वो भी मजा है। तो दीदी ने ट्रेडिशनल ड्रेस जो है ले लिया है एक दीदी को बेचने के लिए, हम लोग का सब्सक्राइबर ही है वो, जो साड़ी भेजी थी वही दीदी है ना? तो अभी इसको भी लेके जाएंगे। और मेरा मिजोरम का मम्मी के लिए यहाँ से ये मेकला देख रही हूँ, उन्होंने बुलाया कि एक मेरे लिए मेकला ला दो, तो वो ही पैसा दे देगी, मेरे पास पैसा नहीं है अभी। पैसा नहीं है, ले लिया है सामान वगैरह, ट्रेडिशनल ड्रेस भी ले लिया है, अभी जाएंगे सीधा घर, बहुत ही भूख लग रही है मुझे। तो अब घर में पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आते ही मम्मी यहाँ पे फ्रूट देखो एप्पल को वॉश करके कटिंग कर रही है, और देखो ओकली लाई हूँ मम्मी, ये वाला ठीक है ना? हाँ, उसमें तो ये मसाला वगैरह भी खोद सकता है। और यहाँ पे आम, यहाँ पे अंगूर, वो सब भी वॉश करके फ्रिज में रख देंगे। आज मैंने पूरा एकदम चकाचक कर दिया है फ्रिज को, बहुत जोर से भूख लग रही थी दोस्तों, अभी यहाँ पे खाएंगे। सुबह जो सब्जी से खाना खाए थे वही है, चिकन है, और यहाँ पे गीजत वगैरह, और ये अचार दीदी और मैं खाएंगे, अभी बहुत भूख लग रही है। मम्मी खा लिया? हाँ, अभी हम दोनों बहनें खाते हैं। No talking, only eating. Okay. शाम भी हो गई है दोस्तों, घर पे सिर्फ हम तीनों ही है, दीदी लम्मो और मैं। मम्मी तो गई है घूमने के लिए, दोपहर में गई थी, और मेरे कपड़े जो है सूख गए हैं, इसे जो है मैंने आज इसलिए धोया है कि हम लोग मिजोरम बहुत जल्द जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये कपड़े वगैरह पैकिंग ज़्यादा नहीं, बस दो दो ड्रेस लेके जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ता ऐसे रहेंगे वहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे वहाँ पे, क्या बोलेगा, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए वहाँ मन ही नहीं लगता, क्योंकि हम लोग डेली ब्लॉगर है, उस कारण नेटवर्क तो चाहिए होता है हम लोगों के लिए। आज थोड़ा घर के काम कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ही गंदे हो चुके हैं हम लोग का फ्लावर्स का गार्डनिंग, तो ये देखो इसके जो फ्लावर्स की जो डाली थी ना मैंने काट दिया है, बहुत बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे ये एक अलग ही फूल है और ये अलग ही फूल है, तो दोनों का जो है पूरा ज्वाइन होने की चांसेस थी, इसलिए मैंने काट दिया है। देखो इसका डाली, इसका है येलो फूल और उसका वाइट फूल, और यहाँ पे मेरी रोज फ्लावर की पौधे जो है जो उसका डाली लगाई थी ना यहाँ पे जिंदा हो गई है, इसमें तो लगेगा, देखो निकल आ रहे हैं, ये देखो इसमें फूल निकलेगा। और यहाँ पे जब से ऋतु दीदी लोग यहाँ पे रह रहे थे ना उस टाइम पे दीदी ने ये फ्लावर्स लगाए थे रोज। ये देखो ये छोटे वाले जो है ये ठंडे का सीजन में निकलते हैं बिल्कुल प्लास्टिक की तरह, तो इसमें जो है मैंने ये दे दिया, क्या बोलेगा, बेम्बू दे दिया है, बेम्बू एक टुकड़ा, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बांध दिया है रस्सी से, ऐसे बांधने से उसका जो फ्लावर्स का पौधे होते हैं बहुत जल्द उगता है, यहाँ पे लाइन करके ऐसे दे दिया है। मच्छर भी बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले ये डाली को फेंक के आती हूँ इसको, अभी
कम कम लेके जाओ, इतना ज्यादा क्यों, भारी होगा ना। वाह वंडर वुमन। आंगन की साफ सफाई भी हो चुकी है दोस्तों, और भी बाकी है काम, तो कल नेक्स्ट दिन को करूंगी। अभी जो है हम दोनों जाएंगे मियां बीबी सब्जियां कलेक्ट करने के लिए। डिनर में आज ग्रीन वेजिटेबल ही खाएंगे, है ना। तो चाहते हैं अभी फिदलर फन देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। ऐसे मिलना चाहिए, बस घर पे सिर्फ हम तीनों ही हैं, हम तीनों के लिए बस थोड़ा सा होने से भी होगा, है ना। आज मिक्स सब्जी ऐसे खाएंगे। और कोई कहता है ना हम लोगों को अपना ब्लॉग पे जो है वो हम लोग का चकमा लैंग्वेज बोलने के लिए, पर चकमा लैंग्वेज जो है आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो उस बेकार में क्यों बात करें। हम लोग का घर जो है वहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग का मूसा जी का घर, देखो हम लोग का पड़ोसी, और यहाँ पे देखो बरीमा, बरीमा आंगन का सफाई कर रही है, ये देखो। इनका घर इसमें जो है वो जब भी बारिश देती है ना उस टाइम पे आग सेक लेती है, और ठंडे का सीजन में भी आग सेक लेता है। तो ये देखो दोस्तों इसमें आग जलाने वाला, और ये लकड़ी को यहाँ पे रख दिया है, देखो ना पूरा फ्लोर को जो है ऐसे हाथ से जो पका होती है ना वो मिट्टी से करनी पड़ती है, तो बरीमा सब कुछ करती है अच्छे तरीके से, ये देखो साफ सफाई कर देती है। करो करो। पहुंच गए हैं, पहले भी आए थे यहाँ फिदलर फन तोड़ने के लिए, मम्मी और मैं दीदी तीनों एक ही साथ में आए थे। आज जो है पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी दो तीन लोगों ने लेके गया है, तो अभी देख लेते हो, बस हम तीनों के लिए मिलने से भी ठीक होगा। अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ जाओ। हमें फिदलर फन भी मिल चुका है दोस्तों, और माथे पे ऐसे बिना पकड़ के लेके जा रही हूँ, क्योंकि लम्बो का और मेरा चैलेंज लग गया है, ऐसे बिना पकड़ के मैं घर तक पहुँचना है, 100 रुपया मिलेगा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, ऐ गुदगुदी मत करो, ये तो ना इंसाफी है, ना ना इंसाफी है, ये तो रे चैलेंज में था। मत करो, पहुंच चुके हैं घर पे दोस्तों। हाँ? यहाँ नहीं, आगे वाला रास्ता पे। अच्छा ए, ये ना बहुत गुदगुदी कर रहा है। नहीं हम ला दिया, दे दो 100 रुपया, 100 दे दो, ये नहीं है 100 लो, डॉलर दे दो, डॉलर, ये डॉलर से भी मत महंगा है, ये नेचुरल है। लो अब सब्जी पका के खिलाना। आज हम घर पे भी पहुंच चुके थे दोस्तों, और अचानक से पता नहीं सब्जी धुलते धुलते मेरा उंगली क्या हो गया, बहुत ही ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो अभी पेन भी हो रही है, बहुत ब्लड जा रही है, पता नहीं लीच नहीं पक रहा है कि ये शायद लीच ने ही खा दिया होगा। कल से मतलब मेरा उंगली पे पेन हो रहा था थोड़ा 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 थोड़ा, शायद वो शायद शायद में ऐसे घुसता है ना गंदगी, तो उसे जो है मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। फिर भी देखो अभी नेल पॉलिश भी मैंने रिमूव कर दिया है, बंद ही नहीं हो रही है, दवाई भी अभी तक दिया नहीं, तो थोड़ा देर बाद में इसका ड्रेसिंग वगैरह कर दूंगी। और ये देखो दाब नारियल काटिंग कर रहा है। नहा भी लिया है दोस्तों, अभी थोड़ा ठंड लग रही है, बहुत ही गर्मी था, दीदी और लम्बो अभी तक नहीं नहाया है। आज जो है मेरा पति डिनर बना रहा है स्पेशल हम दोनों बहनों के लिए, बहुत ही सिंपल है, बस नमक दे के बॉयल कर रहा हूँ। और क्या क्या पकाया था सब्जी? फिदलहेड फन, फिदलहेड फन, और दीदी ने एक बैंगन का सब्जी भी पका दिया है बस थोड़ा सा। तो आज जो है क्या करेंगे दोस्तों, दिन भर बहुत ही बोरिंग था, तो मैंने बस छोटा मोटा काम किया है, वो सब दिखा दिया है, ब्लॉग्स व्लॉग बना लिया है, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा ये उम्मीद करती हूँ छोटा सा ब्लॉग को। तो बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।